हेलो दोस्तों, आज का ये एपिसोड वाइल्ड लाइफ का हमारा तीसरा एपिसोड है और मेरे साथ ओ शिट बहुत से कांटे भी यहाँ पे हैं, चुभ रहे हैं, बहुत जबरदस्त साथ दिख रहा है, थोड़ा झुक के चलना पड़ रहा, मुझे देखना पड़ा, वहां पे एक सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा था। तो मेरे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहा है, मेरे साथ हमारा जेनी। ये जेनी, ए कहाँ कहाँ कहाँ, इधर इधर, ये देखो तेरी वीडियो बन रही है भाई, आजा आजा। तो ये मेरे साथ आज चलेगा, पूरे सफर का साथी यही रहेगा हमारा, क्योंकि जो जंगलों में खास चीजें हैं, बहुत बार आपने सुना होगा कि कुत्ते के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कुत्ते के साथ जाने का, जंगली जानवरों के लिए कुछ सस्पेक्टेड चीजें अगर उसको दिखाई देगी, जहां लगेगा उसको खतरा है तो वहां पे पहले ही अवगत करवा देगा। इसलिए मैंने आज जेनी को अपने साथ लेके रखा है। जेनी काफी सपोर्टिव है मेरा और खास बड़ा पार्टनर भी है। ये हमारा जेनी की एक्टिविटी देखो, उसकी भागने क्यों लगा, इस साला भागेगा तू, ओए वहां नहीं, वहां नहीं, इस साइड को चलना है, इस साइड को, इस साइड चल, आजा, कम 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 फास्ट, कम कम, इस साइड आजा, इधर सा, लेफ्ट लेफ्ट, ओए लेफ्ट जेनी, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट। तो मुझे लगता है आज जेनी मेरा काफी सपोर्ट करेगा और आज हम इसलिए जेनी को साथ लेकर आए हुए यहाँ पे। ये जो नई खुदाई सी भी लग रही है यहाँ, देखिए पाँव के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे, पाँव के निशान भी हैं कुछ, तो हमें लगता है खतरा हो सकता है, आगे खतरा मिले हमें, जंगली जानवर होने की आशंका है। तो देखते हैं, बने रहिए आप मेरे साथ, देखते रहिए बस। तो आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, कुछ खास चीजें मिलेंगी तो उन चीजों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में। जानिए नीचे चलो, नीचे नीचे चलो बेटा, नीचे की तरफ चलते हैं, आजा यहाँ से, कम घूम मत यार, आजा ये, कम 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 कम। लगता है बड़ी घनघोर जंगल की तरफ आ गए हम, यहाँ से थोड़ा जंगल की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत जरूर है। अगर कोई शट देख नहीं पाया मैं ऊपर को, शट चोट लग गई रे, थोड़ी देर के लिए स्टे करता हूँ थोड़ा। मैं ऊपर देख नहीं पाया वीडियो बनाने के चक्कर में, नहीं तो चला गया, हम वहां कहाँ जा रहा है, चल अच्छा। और ये जंगल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ आपको जंगल की डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही, जंगल घना होता जा रहा है, क्योंकि अभी पहले यहाँ लोग आया करते थे, लोग छटाई किया करते थे, घर गांव में जो ईंधन था वो लगभग लगभग क्या कहते हैं उसको, लकड़ियों से ही मतलब खाना बनता था। अभी लकड़ियों की उपयोगिता लगभग लगभग खत्म हो चुकी है, घर भी सीमेंटेड हो चुके हैं, सब कुछ चेंज हो गया है, तो इसलिए जंगल की डेंसिटी ही यहाँ बढ़ रही है, क्योंकि जंगल पहले कटाई होती थी, जंगल की छटाई करते थे, जो लकड़ियाँ थे वो लेके आते थे, तो इसलिए जंगल छोटा पड़ जाता था, कम हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जंगल की डेंसिटी बढ़ती जा रही है यहाँ, और जंगली जानवर खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए उनके लिए कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो खत्म होते जा रहे हैं और शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी जंगली जानवर हैं, बंदर हो गया, भालू हो गया, तो ये लगा सकते हो कि आप आने वाले टाइम पे जंगली जानवर लगभग लगभग खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, भालू। और ये देखो यहाँ पे ये हड्डियां भी आपको दिखाई दे रही हो, ये देखिए, तो ये जो हड्डियां आपको दिखाई दे रही है, ये टाइगर या किसी गाय या भैंस की शिकार बनाया होगा उसको अपना, इसलिए हड्डियां दिखाई दे रही हैं यहाँ। ये खास एरिया है, इलाका है उसका, जहां मैं भी जा रहा हूँ, तो यहाँ डर भी है थोड़ा। आज मेरे पास कुछ है भी नहीं, मेरे पास वैसे, पर जेनी तो है मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर, जेनी मेरा बड़ा साथ देगा, क्योंकि जेनी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। चल जेनी कम, यस, बड़ा दिलचस्प सा एपिसोड होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आपने अब मेरे साथ बने रहना,
और देखते रहना है वाइल्ड लाइफ। कुछ खास चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा, जो चीज़ें मुझे नई नई दिखाई देंगी उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये अब धीरे धीरे पेड़ों की हाइट्स भी बढ़ती जा रही है। ये देखिए अभी वहाँ पे आगे आगे देखिए, पीछे जितना भी मैंने आपको दिखाया तो वहाँ पे थी झाड़ियाँ हल्की हल्की। अब ये पेड़ों की हाइट्स जो आप देख रहे हो ये बढ़ने वाली है। यहाँ ऊंचे लंबे बड़े पेड़ हैं, तो इन पेड़ों में खासकर बंदरों के रहने की ज़्यादा, क्योंकि बंदर इन पेड़ों में रहते हैं, रात का उनका स्टे इन पेड़ों के साथ ही होता है। और सामने मुझे कुछ दिखाई भी दे रहा है, लग रहा है कुछ होगा व्हाइट कलर में, तो थोड़ा सा आवाज़ कम करके हमें चलना होगा ताकि कोई हो तो उसको पकड़ सके या देख सके, उसको कैप्चर कर सके। नहीं जैमिंग, कम यार, कम यार, यहाँ से इधर जा, इधर जा, अच्छा इधर जा, अच्छा उस साइड से, उस साइड से, आजा आजा, अरे उस साइड से आ, फटाफट। ये देखो बड़ा अड़ियल बन रहा है, देख रहे हो जेनी, इसको लगता है कि मैं इसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। चल आजा ऊपर, आजा ऊपर, आ मत, आजा ऊपर, ऊपर आ, मारूंगा फिर देख ले। इधर साहब कहाँ भाग रहा है जी, तो अभी हम धीरे धीरे उसकी तरफ। जैनी मैंने बेकार लिखा है इसको, इसके अच्छा तो मैं खुद ही अकेले आता ताकि कुछ दिखाई भी देता तो आवाज नहीं होती है। जैनी बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है इसलिए। अरे यार छिट, जंगली मुर्गी थी शायद, उड़ गई हो। तो चलिए आते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ खास। और ये देखिए जो ये छेद है इनमें हो सकता है कुछ हो, कैमरा डाल के देखते हैं कुछ दिखाई देगा तो। क्या डर भी लग रहा है क्योंकि इन जगहों पे सांप के होने की ज्यादा आशंका रहती है। पेड़ों के कट साइज देख सकते हो आप जिस हिसाब से। तो यहाँ पे जो खास बात है वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि जो मुर्गियों की, खरगोशों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी पाई जाती है। यहाँ खरगोश होने की आशंका बहुत है, जब खरगोश होते हैं मुर्गियाँ होती हैं, बट वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं। अब थोड़ी सी हरकत हुई तो वो छुप जाते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं दिए। अभी मुझे लगा मैं आपको दिखा पाऊँगा क्योंकि जैनी ने बहुत सी दिक्कत यहाँ पर कर दी थी। जैनी साथ में था मेरे, जैनी की बहुत ज़बरदस्ती जिद्दी हो गया है, इसके कारण की वजह से वो दिख नहीं पाए। अभी थोड़ा सा एक उड़ता हुआ दिखाई तो दिया था, लेकिन कोई नहीं, फिर कभी आपको इस चीज़ के बारे में दिखाया जाएगा। मुझे नज़रें तो मेरी ऊपर की तरफ है, चारों ओर में देख रहा हूँ कहीं से कुछ दिखाई दे, बट यहाँ मच्छर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहे, खाली काट रहे हैं बार बार और परेशान करके रख दिया मच्छर और मक्खियों ने। पाँव में खुजलियाँ, हाथ पे खुजली, दाने दाने कर दिए इन्होंने सालों में। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लाइफ इनके साथ बितानी। और ये खास यहाँ पे कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे हैं मुझे काफल के, जो जिनमें अभी भी काफल बचे हैं दो चार। तो ये जंगली फल है पेट भरने के लिए, पेट आपको अगर कहीं पे मिलता है तो ज़रूर इस चीज़ को खाना है क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं, प्रचुर मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो मैं आज इस कारणवश से आया था कि मेरा जैनी सपोर्ट करेगा, लेकिन जैनी ने सपोर्ट ही नहीं किया साले ने। अब नाराज़ हो रखा है मेरे से, बैठा हुआ है नाराज़ होकर। मुझे लगा ये मेरा सपोर्ट करेगा और हम कुछ खास चीज़ अचीव कर लेंगे, लेकिन नहीं, जैनी ने तो अपनी मनमर्जी करनी थी। जैनी आए इधर, चलो इधर, इधर आओ, आओ इधर, आओ आओ गोदी में, आओ आओ हमारी गोदी में, यस चलो बैठो अभी, सो जाओ। थोड़ा सा जिद्दी है ये हमारा, लेकिन प्यारा भी है, ठीक है। नीनी आ रही तेरे को, थक गया, थक गया तू मेरे साथ? अबे तूने मेरे साथ सारे ब्लॉग्स बनाने हैं, अभी हमने सारे वाइल्ड लाइफ के जितने भी ब्लॉग्स हैं पैक कैप्चर करने हैं, उसमें तूने ही मेरा साथ देना दोस्त। अकेले में मैं जाऊँगा नहीं, अकेले डर भी लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जैनी को अपना पार्टनर बना लो ताकि जैनी के साथ थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए और थोड़ा एक अच्छा सा पार्टनर भी मिल जाए जो साथ भी दे और सुरक्षा भी करे। तो मेरे से, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। क्यों, सही बोल रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं है ना? गलत होगा तो जुबान काट देना मेरी।
ठीक है, थोड़ा थक तो नहीं गया ना तू? अबे मैं नहीं थका हूँ तो तू कैसे थक जाएगा? मैं तो अभी चल ही रहा हूँ 4-5 दिन से, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर चल रहा हूँ मैं पैदल, तो तेरा तो स्टेमिना और ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नाराज़ तो नहीं है ना मेरे से? नाराज़ नहीं होना बाबू, तेरे ने तूने मेरे साथ देना है। तो जेनी हमारा अभी देखो, जेनी बैठा हुआ है। जेनी चले फिर, चले चलते हैं, मिलता हूँ अभी नेक्स्ट व्लॉग में, कल तक देखते हैं कुछ मिलता है तो खास। बड़ा विचार है मेरा आप लोगों को बहुत सी चीज़ें शेयर करने का, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे मिलती भी हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा, जिनका उपयोग भी हम बताएंगे कि किस काम आ सकती है। तो आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, ना कोई दवाई की, ना किसी दवा की। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है इसके लिए, तो मुझे ज़रूरी है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।